Hello friends, in this video we will talk about Bertrand Russell, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about Bertrand Russell. He was born in 1872 and he was died in 1970, and he was the Nobel Prize winner of literature in 1950. Unhe Nobel Prize mila tha 1950 mein, and he was a British mathematician, philosopher and public intellectual. To wo British mathematician the and follower of analytic philosophy. He had a strong focus on reason. He read reason, logic during the 20th century. तो हर चीज़ वो reason, logic पे ढूंढते थे. ये नहीं कि भाई यहाँ किसी ने बोल दिया, विश्वास कर लिया, उस तरीके से नहीं. तो हर चीज़ इनको reason find out करके ही वो उन चीज़ों पे विश्वास करते थे. He was a professor in a few leading university. तो few leading university कौन कौन सी थी? University of Cambridge, University of Oxford. तो ये University of Cambridge में professor थे, and most of his works talk about anti-war and anti-imperialism. तो उनके ज़्यादातर works जो है वो किसके बारे में है? Anti-war, war के खिलाफ, and anti-imperialism. Anti-imperialism का मतलब है means a person who talks about why we should never colonize other country. क्यों हमें दूसरी कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ नहीं करना चाहिए, एंड गिव फ्रीडम टू द पीपल लिविंग ऑन अर्थ. और क्यों हमें लोगों को फ्रीडम देना चाहिए जो भी धरती पे रह रहे हैं. एवरीबडी शुड रूल देयर ओन कंट्री. हर कोई अपने आप के अपनी कंट्री पे रूल करे, ना कि डोमिनेट करे, ना कि दूसरी कंट्रीज़ पे अपना हुकुम चलाए. तो उसके बारे में ये लिखते थे. एंड द फर्स्ट वर्क ऑफ बर्ट्रांड रसेल इज़ ऑन डिनोटिंग. ये एक ऐसे है इनका ऑन denoting, and it was published in 1905. He was quite similar to Francis Bacon. तो Francis Bacon ने जो लिखा था वो भी reason logic की बात करते थे, वैसे ही Bertrand Russell भी reason logic की बात करते हैं. Because Bacon was also a follower of reason logic and he was also assist. And Francis Bacon हमने अपनी last videos में करा है, तो वो भी reason logic पे थे और assist थे. तो same इनका उनका मिलता जुलता है. एंड ही वॉज पब्लिश्ड इन ए जनरल माइंड. तो ऑन डिनोटिंग किस में पब्लिश हुआ था? जनरल में पब्लिश हुआ था, माइंड नाम के जनरल में पब्लिश हुआ था इन द 1920s. फ्रैंक पी रामसे रिफर्ड टू द एसे एज. तो फ्रैंक टी रामसे ने इस एसे को बोला था दैट पैराडिग्म ऑफ फिलोसफी इन द स्टैनफोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी में उन्होंने इसे बोला था पैराडिग्म ऑफ फिलोसफी. तो ऑन डिनोटिंग आपको याद रखना है, ऑन डिनोटिंग रिटर्न बाय बर्ट्रांड रसेल, और ये एक ऐसे है. द नेक्स्ट इज प्रिंसिपिया मैथमेटिका. प्रिंसिपिया मैथमेटिका एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1910 में पब्लिश हुआ था. इन दिस वर्क ही टॉक अबाउट मैथमेटिका रीजनिंग. तो इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैथमेटिका रीजनिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स. तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स के, उसके बारे में इन्होंने बात करी है. एंड इट इज़ ए थ्री वॉल्यूम वर्क. ये थ्री वॉल्यूम्स में लिखा गया है ऑन द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स कैसे कैसे आई, क्या आई, उसके बारे में इन्होंने लिखा है. रिटन बाय मैथमेटिशियन फिलोसोफर. किसने लिखा है? दो जनों ने मिलके लिखा है, अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड. अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड एंड बर्ट्रांड रसेल, एंड पब्लिश्ड इन 1910, 1912 एंड 1913. तो ये थ्री वॉल्यूम वर्क है जो इन तीनों ईयर्स में पब्लिश किया गया था. तो किसने? अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड एंड बर्ट्रांड रसेल ने लिखा है प्रिंसिपिया मैथमेटिका. द नेक्स्ट फेमस वर्क है बर्ट्रांड रसेल का द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी. द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी इट वॉज पब्लिश्ड इन 1912 में पब्लिश हुआ था. एंड इन दिस वर्क बर्ट्रांड रसेल यूजेस द एग्जाम्पल ऑफ टाइबर थियरी. तो इसमें ये टाइबर थियरी के बारे में बात करते हैं. टू कंसिडर ए क्वेश्चन टू वॉट कैन बी सेड टू बी रियल. तो क्वेश्चन क्या रियल है, जैसे बुद्धा बोलते थे ना कि बुद्धिज्म के बारे में, और जो स्वामी विवेकानंद ने बात करी थी उन्हीं के ऊपर ये टाइबर थियरी है. तो इसमें ये बात करते हैं वॉट इज़ रियल, वॉट कैन बी सेड टू बी
real. So he found whether physical reality exists separately from our perception, जो हमारा perception है उससे physical reality क्या अलग है कि same है उसके बारे में. And ultimately Russell concludes that we can only interact with the physical reality. और उसके बाद में वो conclude करते हैं उसका कि जो हम interact कर रहे हैं वो सिर्फ एक physical reality है जो हम देख पा रहे हैं indirectly through sense data, जो हमारे sense data से हम देख पा रहे हैं. एंड ही इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट द एरिस्टोटेलियन आइडिया एंड प्लेटो आइडिया. आगे हम वीडियोस में एरिस्टोटेलियन और प्लेटो आइडियाज़ भी करेंगे जो हम इनके बारे में बात करेंगे. एरिस्टोटेल, प्लेटो, दे ऑल टॉक्ड अबाउट द थियोरी ऑफ फॉर्म्स. किसके बारे में बात करते थे? थियोरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में ये लोग बात करते थे. क्या चीज़ फिजिकल है, क्या चीज़ हमारे दिमाग में है, हम कैसे उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो दिस आइडिया इज़ गिवन अगेन टेकन अप बाय बर्ट्रांड रसल. तो यही जो प्लेटो एरिस्टोटल ने बोला था वही आइडिया इसमें बर्ट्रांड रसल भी इसके बारे में बात कर रहे हैं. एंड रसल कॉल द बुक हिज शिलिंग सॉकर. तो रसल ने इस बुक को बोला है शिलिंग सॉकर. तो ये बहुत ही चीप सस्ती सी बुक थी, लोगों काफ़ी पसंद आ रही थी, जिसका नाम है फ़िलोसफी, प्रॉब्लम्स ऑफ फ़िलोसफी. तो आगे एक और राइटर हम करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, ब्रैम स्टॉकर. तो टुडे वील आल्सो डिस्कस अबाउट द ब्रैम स्टॉकर. एंड ही वॉज बॉर्न इन 1847 एंड ही वॉज डाइड इन 1912. एंड एक ही वर्क है इनका, जो फेमस वर्क है ब्रैम स्टॉकर का, दैट इज़ ही ड्रैकुला. तो ही वॉज एन आयरिश ऑथर. वो क्या है? आयरिश ऑथर है. एंड हीज मोस्ट फेमस वर्क इज़ गॉथिक हॉरर नॉवल ड्रैकुला. तो ड्रैकुला जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ड्रैकुला एक वेम्पायर होता है जो काट ले तो वैसा ही बन जाता है, वही सेम वही से ये जो बचपन से हमने सुना है वो किसने दिया था? ब्रैम स्टोकर ने ये लिखा था. उसके बाद में काफ़ी सारी मूवीज़ बनी, काफ़ी सारे कार्टून्स बने उसके ऊपर. तो ड्रैकुला किसने लिखा है? ब्रैम स्टोकर ने. एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1897 में पब्लिश हुआ था, 1897. एंड इन दिस वर्क ही इंट्रोड्यूसेस वेम्पायर हुज नेम इज़ ड्रैकुला. तो इसमें एक वो वेम्पायर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम उन्होंने दिया है ड्रैकुला. एंड दिस टेल ऑफ ट्रांसवेलियन काउंट. तो ये टेल कहाँ की है? ट्रांसवेलियन काउंट हु यूजेस हिज सुपर नेचुरल एबिलिटीज टू कॉज हैवॉक इन इंग्लैंड. और वो अपना सुपरनेचुरल जो एबिलिटीज़ होती है उसको यूज़ करके पूरा जो इंग्लैंड है वहाँ पर त्रासदी, एक बहुत ही डर का माहौल बैठा देता है. एंड ड्रैकुला मूव फ्रॉम, ड्रैकुला कहाँ से कहाँ जा रहा है? ट्रांसवेलियन टू इंग्लैंड, ट्रांसलेवियन टू इंग्लैंड से, वहाँ से इंग्लैंड जा रहा है सो दैट ही मे फाइंड न्यू ब्लड. ताकि उसको पीने के लिए, जो ड्रैकुला क्या है, खून ही पीता था ना गले से वहाँ पे अपने दांत करके, तो वो वहाँ पे न्यू ब्लड के लिए कहाँ पे जा रहा है? इंग्लैंड में जा रहा है. एंड स्प्रेड द अनडेड कर्स. तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी अधमरा करने के लिए. एंड ऑफ द बैटल बिटवीन ड्रैकुला एंड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन लेड बाय प्रोफेसर अब्राहम वैन हेसलिंग. और जो ये बैटल होता है किसके बीच में? ड्रैकुला और वहाँ के लोगों के बीच में. वो कौन लीड कर रहे हैं? प्रोफेसर अब्राहम वैन हेसलिंग. तो आज की वीडियोस में हमने दो राइटर्स कर लिए हैं, ब्रैम स्टोकर एंड बर्ट्रांड रसल. तो मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. जब भी आप वीडियोस देखें तो लाइक ज़रूर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें. और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो स्लाइड्स को इग्नोर ना करें, एक एक स्लाइड को पॉज करके ज़रूर पढ़ें. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे.